हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के 49 के साथ हाजिर हो। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जिसको सुतुतु ने नाक में उंगली की थी, वो उससे बोलता है, अब तुम अपनी सेफ्टी के लिए मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो ताकि मैं तुम्हें जाने दूं तुम्हारी पूंछ को तुम्हारे हाथ के साथ में। तभी जो सुतुतु है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, आखिर तुम हो कौन जो एक लड़की को हमारे पास भेज रहे हो? और उससे बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितनी पैसे देते हो, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तभी पीछे से साउंड आता है 1 मिलियन, जिसके सुनकर जो सुतुतु है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी जो क्विंग जान है उसकी तरफ सभी लोग दोनों को दोनों देखने लगते हैं और बोलते हैं, तो जो आदमी होता है वो उससे बोलता है, तुम बस इस सीट को चेंज करने के लिए हमसे कम से कम 1 मिलियन टेल्स लेना चाहते हो। तभी जो क्विंग जान है उससे बोलता है, ब्रदर तुम चाहते हो कि ये आदमी हमें 1 मिलियन टेल्स पे करे इस सीट को चेंज करने के लिए? और तभी जो क्विंग जान है वो उससे बोलता है, ओ मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये 1 मिलियन टेल्स है वो इस सीट को चेंज करने के लिए नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी है वो इतने ही पैसों की मायने रखती है। और तभी जो क्विंग जान है फुल फोर्स में उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, और जोरदार पंच मारता है उसको, जिसके कारण जो बंदा है वो सीधे जाकर पीछे दीवार से टकराता है। और जो लोग होते हैं वो ये देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, बस एक ही थप्पड़ में मतलब एक ही मुक्के में हालत है बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आखिरकार ये आदमी क्या कल्टीवेट करता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये टॉप 20 रैंक्ड में इनर कोर्टयार्ड में, ये वही मास्टर तो नहीं है जो टॉप 20 में, जो टॉप 20 के बंदे हैं मास्टर्स हैं वो मॉन्स्टर जैसे हैं जिनके पास इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, ताकत है। तभी जो सुतुतु है उनको उंगली करते हुए बोलता है, आखिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से 1 मिलियन टेल्स हमारे हवाले कर दो। ब्रदर जुन ने अभी तो बस इसको थोड़ा ही मारा है, अगर तुमने 1 मिलियन टेल्स हमें जल्दी जल्दी नहीं दी तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तभी जो एक बंदा है वो ज्ञान के पास पैसे लेकर आता है और उससे बोलता है, इस छोटे के पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन एक टोकन के जरिए, और इस टोकन को तुम अगर हांस के हाउस पर लेकर जाते हो तो तुम्हें फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे। तभी जो कंगियान उस लेटर को ले लेता है और बोलता है, इस बंदे को यहाँ से लेकर जाओ और याद रखना मेरे सामने ऐसे हरकतें वापस करने की जरूरत मत करना। और वो उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं और बोलते हैं, हम ऐसी गलती कभी भी भूल कर भी नहीं करेंगे। तभी जो मेई है वो ये देखकर थोड़ी शौक होती है। तभी जो सुतुतु है वो बहुत ज्यादा हंसते हुए बोलता है कुंगयान से, कुंगयान जो पंच अभी तुमने मारा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी जो मेई होती है वो सीधा आकर उनके बगल में खड़ी हो जाती है। तभी जो सुतुतु अपनी नजर जैसे घुमाता है तो उसके जो बड़े बड़े संतरे सीधे उसकी नजर उस पर जाकर गिरती है, जिससे थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और सुतुतु उससे बोलता है, आखिर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी जो मेई है वो उससे बोलती है, क्या मैं तुम्हारे बगल में तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? जिसको देख कर जो सुतुतु है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है, आखिर ये औरत करना क्या चाहती है, इसका जो चेहरा है वो तो एक किताब की तरह बन गया है। तभी जो सुतुतु है वो मिस मेई से बोलता है, मिस मेई क्या हम पर तुम्हारा क्रश तो नहीं है? और बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, हम उस बेवकूफ हान ये की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो मेई है वो हंसते उससे बोलती है, ये ब्रदर तो बहुत ज्यादा फनी है, क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे, चलो हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी जो सुतुतु है सर बोलता, अच्छा ठीक है, मेरा नाम सुतुतु है और इसका नाम यून क्विंगयान है, तुम मेरे ब्रदर को या तो यून या यान बुला सकती हो, और रही बात मेरी तो मुझे तुम जो चाहे वो बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी जो मेई होती है वो अचानक से सुतुतु के पास आती है और बोलती है, ब्रदर सु, जिसे देखकर दोनों का चेहरा लाल हो जाता है और गुलाब खिलने लगते हैं, जिसे देखकर जो सुतुतु है वो बहुत सरप्राइज होता है और ये सुनकर तो वो वहीं पर ढेर हो जाता है। तभी मेई उसके पास आकर झुककर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है, जबकि तुम दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हो, जबकि तुमने टॉप 100 रैंक वाले इनर अकेडमी के मास्टर को भी एक ही पंच में हरा दिया है, ज्यादा गाइस तो ज्यादा ही कुछ दिख रहा है यहाँ तो, पहले के मुकाबले में तो हवा भी नहीं चल रही, अंदर कुछ पहना है कि नहीं पहना है मुझे तो नहीं लगता कुछ पहना है बहुत ज्यादा फनी है। और जो सुतुतु है उसका चेहरा पूरा का पूरा लाल पड़ रहा होता है ये देखकर, मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। तभी जो मेई है वो सुतुतु से बोलती है, क्या तुम मेरी मदद करो किसी को सबक सिखाने में? तभी जो सुतुतु उसके पास आता है उसे पकड़ते बोलता है, हाँ क्यों नहीं, और बोलता है, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि क्या बदले में तुम मुझे क्या दोगी, कुछ अच्छा ही दोगी। और उसके पास आने लगती है और तभी जो मेई है उसके पास आते है बोलती है, अगर ऐसी बात है, और उसके पास बड़ी रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो सुतुतु है उसे डॉच कर देता है, जिसके कारण जो मेई होती है वो पीछे की तरफ गिरने लगती है
और शत्रुतु से बोलता है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाना है, हमें जो काम करना है हम उसके लिए जा रहे हैं। जिसे देखकर जो मेई है वो थोड़ी सरप्राइज होती बोलती है क्या। तभी जो शत्रुदेव को ज्ञान से कहता है, ब्रो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमने बस अपनी थोड़ी सी पावर को दिखाया था और हम इतनी देर में इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए। इस बार हम इस अकेडमी में धूम मचाने वाले हैं। और उसके मुंह से लार टपक रही होती है और हंस रहा होता है। तभी जो कुंगयान है वो उससे कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो ये जो मेई है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है। तभी जो सुतुतु है वो कुंगयान से कहता है, अस्ते ब्रदर तुम्हारी जो आंखें उसके बॉल पर गई थी ना, मैं तो बस कुछ एक्टिंग कर रहा था उसके साथ और कुछ नहीं। और बोलता है, बल्कि मैं तो एक वुमन के बारे में कम से कम महीनों से सोच रहा हूँ और ये ऐसा हो सकता है कि इस वुमन को उन 3 सेंट ने भेजा हो। क्या वो सच में इतना ज्यादा पैसा बर्बाद करना चाहते हैं हमारे पास। अभी अभी मैंने थोड़ा सा सेंस किया था, जो इसका जो लेवल है वो कम से कम 6th लेवल पर मूल रियलमी का है। जो 3 सेंस है उनकी जो तरीका है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए, उनसे डील करने के लिए। और वो चाहते हैं कि हम किसी को मार डालें और वो हमारा दुश्मन बनाना चाहते हैं लोगों, ताकि जो दुश्मन है वो हमारे पीछे लग जाए। तभी जो कुंगयान है वो सोचते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो 3 सेंट बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए हैं धोखे। तभी जो शत्रुतु है वो हंसते हुए कुंगयान से बोलता है, यहाँ पर कुछ ऐसे बेवकूफ भी हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है, हम कुछ भी बेवकूफ जैसा काम नहीं करने वाले हैं। तभी अचानक से जो जियाओ है वो वहीं खड़ी होती है। तभी बोलती है, ब्रदर योन क्या तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हो। और बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, खुश होते हुए उससे बात करने लगती है। तभी जो लड़का खड़ा होता है उसके बल में उससे बोलता है, माय फ्रेंड मेरा नाम हु जियाओ माओ है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम जियोडिंग के पुराने दोस्त हो। तभी जो वो सुतुतु है वो सरप्राइज होते है, उससे बोलता है, क्या तुम हु जियाओ मू हो। तभी जो जियाओ मू है वो सुतुतु से बोलता है, क्या तुमने मेरा नाम पहले भी कहीं सुना है। तभी जो सुतुतु है उसका चेहरा लाल पड़ रहा होता है, वो हंसते बोलता है, मैंने बस तुम्हारा नाम तब सुना था किसी इंसान को, मतलब किसी पर्सन को जो तुम्हारी लाइफ को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था, क्या तुम उनके साथ किसी तरह के कर्ज में डूबे हुए हो। तभी जो जुए मुंह होता है वो बोलता है, बच्चे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम बकवास किए जा रहे हो जुए डिंग के सामने, दोनों लड़ी रहे होते आपस में। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जियाओ है वो सीधा जाकर कुंगयान के पास चली जाती है और बोलती है कि मैंने ये उम्मीद नहीं की तुम यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिलने आओगे। और उसे बोलती है, जब मैं उस टेक्निक का प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उसके चिपक जाती है उसके आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तभी कुंगयान से बोलता है, हाँ पूछो क्या हुआ। तभी जो जियाओ है वो गुस्सा करते हुए अपना चेहरा बिगाड़ता बनाते हुए बोलता है, मैं इस जुए को कम से कम काफी टाइम से इस जुए के पीछे लगा हुआ हूँ और इसने मुझे अभी तक छुआ भी नहीं है, जबकि मैं इस बच्चे को सीधे आकर इसके गले में लग गई और इसका हाथ पकड़ लिया और ये बहुत ज्यादा जल रहा होता है इसे देखकर। तभी इन दोनों के बीच में अचानक से कुछ आता है, जिसे देखकर जो जुए बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। जियाओ मू है वो जुए के पास आता है, बोलता है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आकर पूछ सकती हो, तुम किसी ऐसी किसी से आकर मत पूछो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लाइन मारने के लिए आ जाता है जुए पे। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।